आइए देखते हैं स्टेला कहाँ पर है। और ये रही स्टेला। हेलो स्टेला। तो फटाफट से इसको बाय बोल के चलते हैं, क्योंकि मैं पहले ही काफ़ी लेट हो चुका हूँ और दोपहर के 12:30 बज चुके हैं। तो फटाफट से गाड़ी निकालते हैं और चलते हैं एक स्पेशल जगह पे, जो मैं आज आपको फिर से लेके जाने वाला हूँ। तो आज फिर से मैं आपको एक अपने न्यू फ्रेंड के फार्म हाउस पे लेके जाने वाला हूँ, जिनके पास 25 या प्लस 30 डॉग ब्रीड्स हैं। और उन्हीं में से मैं आपको 3 या 2 डॉग ब्रीड जो उनके पास हैं वो चैंपियन लाइन है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो रॉटवाइलर है उनके पास चैंपियन लाइन से, कितना अच्छा हैवी फेस और बॉडी है इसकी, इतना हैवी डॉग ब्रीड है ये। और कार डॉग में भी काफी लोग रखना पसंद करते हैं। और ये केसी रजिस्टर्ड डॉग है, जिसने काफी सारे डॉग शो भी जीते हुए हैं। काफ़ी अच्छी मार्किंग है, फेस कितना हैवी है इसका, और भैया ने काफ़ी अच्छे से इसको ट्रेनिंग भी दी है। तो आइए दिखाता हूँ मैं आपको कुछ इसके कैसे ये शेक हैंड्स भैया के उस पर करता है। और भैया ने काफ़ी अच्छे से इसको ट्रेन भी किया हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं। भैया के पास एक नहीं, ऐसे ही 3 डॉग हैं रॉटवाइलर के, और ये तीनों के तीनों ही मेल हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कितने हैवी डॉग हैं। और मैं भी काफ़ी इनके पास जाने से थोड़ा डर रहा था, लेकिन भैया ने काफ़ी अच्छे से इनको ट्रेन किया हुआ। तो इनको एक बॉल दिखा रहे थे, उस बॉल के पे हमने इनको, भैया ने इनको फोकस किया हुआ था, और उसी के भी भैया आपको करके दिखा रहे हैं डॉग शो में, जिस तरह से इनको शोकेस किया जाता है, पूरी बॉडी स्ट्रक्चर तो सब उस तरह से ही भैया आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो भैया के पास काफ़ी सारी और भी डॉग ब्रीड्स हैं, लेकिन जो मोस्टली इनके जो चैम्पियन डॉग्स में से हैं वो एक तो रॉटवाइलर है, दूसरा बुलमैस्टिफ आती है इनके पास, और जो तीसरी डॉग ब्रीड है वो जर्मन शेफर्ड है, जो कि अभी अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको दिखा नहीं पाऊँगा। तो अभी तो मैं रॉटवाइलर और आपको बुलमैस्टिफ दिखा रहा हूँ। सेकेंड डॉग ब्रीड पे जो कि है बुलमैस्टिफ, कितने हैवी दो बुलमैस्टिफ हैं इनके पास, ऐसे और भी हैं, लेकिन जो राइट साइड में आपको दिख रहा है वो चैंपियन डॉग और चैंपियन लाइन से है, और काफ़ी सारे डॉग शोज में जीते हुए हैं। और मेरे को भी देख के डर लग रहा था, इनके थोड़ा पास भी नहीं जा पा रहा था मैं अच्छे से। वैसे तो भैया ने काफ़ी अच्छे से इनको ट्रेन किया हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर कोई इंस्ट्रक्शन अच्छे से फॉलो नहीं भी करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, उनकी थोड़ी पिटाई भी हो जाती है, लेकिन फिर भाइयों को काफ़ी प्यार है डॉग से, और काफ़ी सारी वो डॉग ब्रीड्स इनका काफ़ी अच्छे से इनको रखते हैं भैया, उनकी केयर करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं भैया इसको दिखा रहे हैं, इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है कितना अच्छे से वेल मेंटेन है, और कोट भी कितना क्लीन है, और काफ़ी अच्छे से भैया ने इनकी क्वालिटी को मेंटेन करके और अच्छे से डाइट दे के इनको अच्छे से रखा हुआ है। गाइस, मैंने इस वीडियो में आपको 2 डॉग ब्रीड दिखाने की कोशिश की है, जो काफ़ी हैवी ब्लड लाइन चैंपियन से हैं, और ये अडल्ट डॉग हैं काफ़ी, और तो दोनों ही गार्ड डॉग में आते हैं। बेसिकली जो बुलमैस्टिव है वो थोड़ा जाइंट साइज के डॉग में आते हैं, और रॉटवाइलर नॉर्मल या मीडियम साइज में आप बोल सकते हैं उसमें के अंदर आते हैं। तो बस गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कुछ भी मेरे से बात करनी हो, इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तो स्टेला विद आशीष इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कीजिए, और
मेरे से आगे बात कर सकते हैं। और बस इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।